Hi, good evening everyone. So welcome to this innovation and entrepreneurship session. In fact, in this session, we are going to cover all the 10 important government schemes for startups and MSMEs. So kindly ignore the previous session because that was incomplete. I'll cover those points in more detail in this session. So yes, this is going to be the most important session. And apart from that, we are also going to have a small quiz of about 10 to 12 questions based on this government schemes. Right, so guys, these questions you will not find anywhere, so make sure to attend the session completely. And I'm going to provide you more questions on this government scheme in the next session also, so keep attending this session. Our next session will be conducted on Monday, to wo bhi ek cheez dhyan mein rakhna, kal hamara LR ka session hoga wapas, to ye sare session attend karte rehna. Ek cheez main aur batana chahta hu dosto, quantitative ability ka video bahut jaldi aayega. ठीक है, सो आई मीन दैट हैज बीन डिलेड अ बिट फ्रॉम माय साइड, बट मोस्ट लाइकली टुमारो डे आफ्टर आई विल रिलीज कपल ऑफ वीडियोस ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो वो भी आप देख सकते हो. जो शॉर्ट वीडियोस मैंने शुरू किए हैं उसमें सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा. अभी तक आपके एग्जाम के डेट आए नहीं है, तो मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि सारे कौन के टॉपिक हम कवर करेंगे. चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस सेशन के साथ में. जल्दी से एक बार लाइक बटन दबा दो और साथ में चैट बॉक्स में थम्स अप दिखा दो. अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको कैसा लगा ये सेशन. ठीक है, सो गाइस, अगर आपने अब तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन को देखो, उसमें आपको काफी सारे यूजफुल लिंक मिल जाएंगे इंक्लूडिंग टेलीग्राम ग्रुप लिंक, तो इसको ज्वाइन कर लेना. ठीक है, तो हम लोग ने ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं. हमें गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई कवर करना था, तो उसमें इंपॉर्टेंट स्कीम है 10. उसके अलावा कुछ अदर स्कीम्स है वो भी अराउंड 10 जितने हैं, तो हम ये सारे कवर करेंगे. एंड देयर विल बी सम अदर बॉडीज एंड ट्रस्ट ऑन विच आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन. ये सारी चीजें मैं आपको इस सेशन और इसके नेक्स्ट सेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. और उसके बाद में हमारे एक दो सेशन रहेंगे विच विल बी मोर अबाउट बिजनेस अवेयरनेस एंड इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके साथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा. फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की. ठीक है, राइट. तो जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट स्कीम है, लेकिन इसमें से एक ये जो स्कीम है ना गाइस, ये डिसकंटिन्यू हो गई है. सो गवर्नमेंट हैज डिसकंटिन्यूड दिस स्कीम. ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दी है इसको, तो आपको शायद इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पोर्टल पे अभी भी ये स्कीम दिखा रहा है. जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो पता चला यार ये स्कीम में तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी है. तो बट फिर भी हमें ऐसे सारे पॉइंट्स को देख लेना है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है सीमैट का पेपर जो सेट कर रहा है वो इतना डिटेल में जाके चेक करेगा, वो तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा यहाँ पे. एनीवेज, मैंने आपको बता दिया, बट हम सारे स्कीम कवर करेंगे. उसके बाद में ये जो दूसरे इंपॉर्टेंट स्कीम है तो उसको भी हम कवर करेंगे. राइट, यस, सो विल कीप डूइंग इट. चलो, सो बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताए थे कि व्हाइल ईच स्टार्टअप गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया कम्स विद इट्स ओन बेनिफिट, देयर आर सम कॉमन बेनिफिट्स और सम की बेनिफिट्स दैट दिस स्कीम प्रोवाइड. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज वन की बेनिफिट. इट मे बी फॉर स्पेसिफिक सेक्टर और इट मे बी अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, द स्टार्टअप इन से फार्मिंग सेक्टर, एग्री बिजनेस सेक्टर, और इट मे बी फॉर स्टार्टअप इन से आईटी सेक्टर, और इट मे बी फॉर स्टार्टअप अक्रॉस एनी सेक्टर. ठीक है, तो अलग अलग स्कीम का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है. फैसिलिटेट फंडिंग. फैसिलिटेट फंडिंग मतलब एक तो आपको फंडिंग जो है स्टार्टअप को वो एंजल इन्वेस्टर्स वीसीज वगैरह से मिलता है, और एक गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से मिलता है, गवर्नमेंट बैंक्स की तरफ से मिलता है, तो उसको फैसिलिटेट करना, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन, सो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस में ही आ गया. ऑफर मेंटरशिप. टैक्स एग्जेम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मतलब कनेक्टिंग विथ अदर रिसोर्सेस. राइट, तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है. सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. अब देखो, स्टार्टअप इंडिया हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन वो थोड़ी सी ही डिटेल थी, तो आज के सेशन में मैंने और काफी और डिटेल कलेक्ट करी है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे आपके, तो आपको इसको ध्यान में रखना है. सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टार्टअप इंडिया. ठीक है, उससे पहले थी मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया इट्स मोर अबाउट यू नो फ्लोरिशिंग द बिजनेस रादर देन सपोर्टिंग द स्टार्टअप. बट फिर भी मेकिंग इंडिया पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आज के सेशन में मैं आपको मेकिंग इंडिया पे भी कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज दूंगा. ठीक है, सो ओवर 65% ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स. नाउ गाइस, गवर्नमेंट वांटेड टू फिक्स टू की कंसर्न इन इंडिया
इन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, कौन से वो दो कंसर्न थे? तो एक डेटा मैंने कलेक्ट किया है कि ऑलमोस्ट 65% ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रीलोकेट आउट ऑफ इंडिया ओइंग टू डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस. दिस वॉज प्रायर टू दैट टाइम, ठीक है, 2016 में ये स्कीम शुरू किया, उससे पहले का ये कहानी है. तो गवर्नमेंट वॉन्टेड टू फिक्स दिस एंड 90% ऑफ द स्टार्टअप फंडिंग प्रेजेंटली कम्स फ्रॉम फॉरेन वीसीज एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स. गाइज, एक टाइम पे 90% तक के जो फंडिंग है वो फॉरेन वीसीज वगैरह से आते थे. तो वही प्रॉब्लम गवर्नमेंट फिक्स करना चाहती थी कि जो इंडियन स्टार्टअप्स है वो इंडिया में ही रहे और उनको इंडियन से ही फंडिंग मिले. सो दैट वॉज द की ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लॉन्चिंग द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. ओके, सो द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव बाई फार इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप इन इंडिया, स्टार्टेड बाई प्राइम मिनिस्टर इन 2016. Over 50,000 businesses have come under this scheme. This is up to May 2022. I am sharing that data. Now, what is the eligibility for this government scheme? So, ye humne last class mein discuss kiya tha ki startup should be a registered private partnership firm, private limited firm, or limited liability firm. LLP stands for limited liability firm. ठीक है? Everyone. यस, ओके गाइस, सबको ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है ना? एक बार कंफर्म कर लो. समनी सेइंग के सर आवाज नहीं आ रही है, क्या ऑडियो बराबर है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो यार, और साथ में थोड़ा फ्यूल डाल दो यार, फ्यूल की बहुत जरूरत है आज. ठीक है, स्टार्टअप मस्ट अप्लाई विद इन 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन. ये भी ध्यान रखना, अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो कहीं पे ओल्ड डेटा है. गाइस, पहले ये जो एज लिमिट है 5 इयर्स की थी, बट उसको 10 इयर्स कर दिया गया है. तो मैं देख रहा था काफी जगह पे अभी भी उन्होंने 5 इयर्स ही मेंशन किया है. तो आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से ही कलेक्ट करना, नहीं तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है. मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल सोर्सेज से ही कलेक्ट करी है. आप ये स्लाइड को भी यूज कर सकते हो. एंटिटी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ स्टार्टअप. देखो, ये पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया था, ये पॉइंट. तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि लास्ट वीडियो मत देखना, ये वाला वीडियो देखना कि स्टार्टअप में कौन नहीं आता है. तो गाइज, अगर मैंने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया, रीब्रांड किया और मैं उसको स्टार्टअप दिखा दूंगा, नहीं चलेगा. या फिर मेरा एक बड़ा सा बिजनेस है, उसका मैंने एक छोटा सा विंग ओपन किया, एक और नया इनिशिएटिव लिया, तो वो स्टार्टअप में नहीं आता है बिकॉज आई एम ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. ठीक है ऋषि, सिर्फ तुम्हें अकेले को प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज पुट द ईयर प्लग्स. ठीक है, बाकी सबको आवाज बराबर आ रही है. ओके, द एलिजिबिलिटी फॉर दिस गवर्नमेंट स्कीम गाइस, तो एलिजिबिलिटी क्या है? सो योर स्टार्टअप, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, योर स्टार्टअप शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड प्रोसेसेस. इट शुड हैव द पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट वेल्थ. ये कुछ कंडीशंस है फॉर अ स्टार्टअप टू अवेल द स्कीम. ओके, रिलैक्स्ड नॉर्म्स क्या है? सो ऑल द स्टाफ, अच्छा, बेनिफिट क्या मिलते हैं इस स्कीम के अंदर? तो गाइस, 5 बेनिफिट मिलते हैं. कौन से 5 बेनिफिट है? सबसे पहला है रिलैक्स्ड नॉर्म्स. क्या है रिलैक्स्ड नॉर्म्स, मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया था. इनफैक्ट लास्ट ईयर के वीडियो में भी ये सारी चीजें नहीं है, तो प्लीज वॉच दिस. ठीक है, दूसरा है टैक्स एग्जेम्पशन, तीसरा है पेटेंट रजिस्ट्रेशन, देन चौथा है फैसिलिटेट फंडिंग. तो काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स है, 5 बेनिफिट्स मैंने आइडेंटिफाई किए, तो आपको ये 5 बेनिफिट समझ लेने. सो रिलैक्स नॉर्म्स क्या है? सो ऑल द स्टार्टअप्स दैट गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, मैंने लास्ट टाइम उसका फुल फॉर्म बताया था, कैन गेट लिस्टेड एज सेलर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल. तो गाइज, आपको ये एक फैसिलिटी मिल जाती है कि आप सीधे सीधे गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस पे रजिस्टर कर सकते हो. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड इट्स मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू रिलैक्स नॉर्म्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT. गाइज, ये स्कीम पहले तो वही अवेल कर सकता है जो DPIIT से रिकॉग्नाइज्ड है ना? तो मतलब मुझे पहले अपने आप को DPIIT से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. DPIIT क्या करता है पता है? तो वो चेक करता है कि सही में आपका स्टार्टअप को इनोवेशन की तरफ या प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ वर्क कर रहा है, तो क्या उसमें वो पोटेंशियल है, तभी वो मुझे रिकॉग्नाइज करेगा. वंस आई एम रिकॉग्नाइज्ड, आई कैन अवेल ऑल द स्कीम. ठीक है, राइट. एंड एज अ DPIIT ऑथोराइज स्टार्टअप, योर कंपनी कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स विदाउट हैविंग टू शो prior proof of work and have a minimum yearly turnover.
गाइस ये एक चीज ध्यान से समझो, आप गवर्नमेंट टेंडर में अप्लाई करते हो तो वहां पे काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसमें से एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास आपने कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हुए होने चाहिए, आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर आप एक DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो तो गवर्नमेंट टेंडर में आपको ये जो एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल दिस आर नथिंग बट रिलैक्स्ड नॉर्म्स एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। क्या ये सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप दिखा दो इफ यू ऑल आर अलाइंड एंड इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। यस नीरज, आपने सही से बताया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था DPIIT का फुल फॉर्म। जिसको नहीं पता है, नीरज ने उसका फुल फॉर्म लिख दिया है, ठीक है, राइट। सो DPIIT का मैं फुल फॉर्म एक बार यहां पर लिख देता हूं। सो इट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए। सो गाइज ये याद रख लेना आप लोग, राइट। चलो टैक्स एग्जेम्पशन की बात करते हैं, तो दिस इज द सेकंड बेनिफिट। जैसे मैंने आपको बताया था रिलैक्स नॉर्म एक बेनिफिट हो गया, टैक्स एग्जेम्पशन इज सेकंड बेनिफिट। तो गाइज एज अ रजिस्टर्ड स्टार्टअप विद स्टार्टअप इन इंडिया एंड DPIIT, योर स्टार्टअप इज एलिजिबल टू गेट अ टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 80 IAC। दिस इज इनकम टैक्स, दिस इज वन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो आप ये याद मत रखो, योर स्टार्टअप कैन अवेल टैक्स हॉलीडे फॉर 3 consecutive years। कितने साल के लिए आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है? टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स एग्जेम्पशन, 3 साल के लिए आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इन एडिशन टू अबव, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम एंजल टैक्स अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। गाइज एंजल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ टैक्सेस लगते हैं, तो वो भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। थर्ड बेनिफिट इज एक्सेस टू फंडिंग, ठीक है। देर आर 2 different types ऑफ फंड्स दैट स्टार्टअप इंडिया हैज फॉर स्टार्टअप्स दैट रजिस्टर्ड विद DPIIT। 2 type के गवर्नमेंट के फंड्स है, एक है FFS और दूसरा है SISFS। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जो पहला वाला है, द स्टार्टअप कैन रेज मनी फ्रॉम फंड फॉर स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट ने एक फंड फॉर स्टार्टअप्स करके एक फंड रखा हुआ है जिसको हम FFS कहते हैं। दैट हैज अ कॉर्पस, मतलब अ फंड ऑफ 10,000 crore एंड FFS इज मैनेज बाई SIDBI एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। FFS कौन मैनेज करता है? तो SIDBI करता है, SIDBI इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वेंचर कैपिटलिस्ट उसको मैनेज करते हैं। एंड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS प्रोवाइड सीड फंड टू स्टार्टअप्स। तो दोनों जगह से आपको फंडिंग मिलती है एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है वो हम वापस डिटेल में देखने वाले हैं, तो आपको ये आइडिया होगा। चौथा बेनिफिट है अर्ली एग्जिट, ठीक है, अर्ली एग्जिट, एक्सेस टू फंडिंग हो गया। पहला कौन सा बताया मैंने? रिलैक्स नॉर्म्स। दूसरा टैक्स एग्जेम्पशन। थर्ड इज एक्सेस टू फंडिंग एंड द फोर्थ वन इज इजी एग्जिट। अर्ली एग्जिट नहीं, इजी एग्जिट। तो इट इज वेल नोन फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल टू टेक ऑफ एंड अनफॉर्चुनेटली हैव टू शट डाउन। गाइस मतलब एक डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 90% स्टार्टअप्स फेल, ओनली 10% स्टार्टअप्स आर एबल टू सर्वाइव बियॉन्ड 2 years। ओके, ironically it's more difficult to shut a company than to start it, okay. So however, if your startup is recognized by DPIIT, then you need to take an exit, and if you want to take an exit, it's quite a simple process. Government ne is process ko kafi simple kar diya hai. A startup can shut down their business within 90 days from the date of application, theek hai. Matlab agar aapne apply kiya ke bhai main apna business band kar raha hu, to within 90 days aapka business band ho sakta hai, ठीक है। एंड द लास्ट बेनिफिट अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इज चीपर पेटेंट कॉस्ट। तो गाइस अगर आपको पेटेंट्स वगैरह फाइल करने, उसकी प्रोसेस भी उन्होंने सिंप्लीफाई कर दी है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी कम कर दी है। तो क्या कम कर दी है वो समझ लेते एक बार जल्दी से, व्हाट डज इट मीन बाय चीपर पेटेंट कॉस्ट। सो स्टार्टअप्स कैन प्रोसेस देयर पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सर्विस एट अ कंसिडरेबली लोअर रेट एज पार्ट ऑफ द स्कीम, ठीक है। And Startup India will provide your company with an 80% rebate to file the patents. Patents आप कहीं पे भी file करते हो, उसमें आपको 80% rebates मिल जाता है। In case of filing for trademark certification, you will receive 50% rebate and decreasing the cost from 10,000 to 5,000. आपको 50% यहाँ पे rebate मिल जाता है। हालांकि 5,000 save हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Your application process will be fast tracked
एंड प्रोसेस विद इन 72 आवर्स। तो गाइज आपके जो एप्लीकेशन है पेटेंट रिलेटेड विद इन 72 आवर्स वो प्रोसेस हो जाएगा। सो दिस इज अनदर बेनिफिट दैट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड टू एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशियटिव। सो आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दी वॉट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम, वॉट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट एंड वॉट आर द बेनिफिट्स। कैन यू क्विकली शो मी अ थम्स अप गाइज इफ यू ऑल आर क्लियर विद दिस, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू क्वेश्चंस वेयर यू विल हैव टू अप्लाई दिस नॉलेज। ठीक है, यस, ओके, चलो गाइज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अ 20% टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स मेड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स आफ्टर सेलिंग ओन असेट्स एज वेल एज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वेंचर कैपिटलिस्ट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव दिस इज अनदर बेनिफिट दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एंड सेटअप ओवर 75 सच स्टार्टअप सपोर्ट हब्स इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज NITs एंड IITs, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER एंड NIPRS। सो गवर्नमेंट हैज सेटअप दिस ऑर्गेनाइजेशन टू एज पार्ट ऑफ दिस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स, राइट। 80% रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी हमने देख लिया, नो इंस्पेक्शन फॉर 3 इयर्स ऑफ स्टार्टअप बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर एनवायरमेंट लॉ एंड कंप्लायंसेस पोस्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन। गाइज अगर आप कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करते हो तो देर आर सर्टेन नॉर्म्स टू बी फॉलोड, देर आर सम लेबर लॉज एंड सम अदर एनवायरमेंटल लॉज टू बी फॉलोड, पर्टिकुलरली इफ योर स्टार्टअप इज इन से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम हैजार्डस गुड्स और समथिंग, राइट। तो आपको काफी कॉम्प्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, बट एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव यू गेट रिलैक्सेशन फ्रॉम दिस कि आपके फैक्ट्री को आपके प्रिमाइज को कोई इंस्पेक्ट करने नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ IPRs, तो वो हमने देख लिया, एंड लॉन्चिंग इनोवेशन फोकस्ड प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। तो इस बार मैंने आपको काफी डिटेल में पॉइंट्स बताए स्टार्टअप इंडिया के, ताकि कुछ भी चीज छूट ना जाए। इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन काउंसिल दैट इज IICs प्रोग्राम इन कोलेबोरेशन विद AICTE टू सिस्टमेटिकली फोस्टर द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दिस इज ऑल्सो वन इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया, राइट। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डू विजिट देयर वेबसाइट्स, वहां पर भी आपको काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, राइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्कीम गाइज, दैट इज द सेकेंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अर्ली एज स्टार्टअप्स फॉर मार्केट एंट्री, प्रोडक्ट ट्रायल्स, कमर्शियलाइजेशन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली दिस इज एट द सीड फंड स्टेज, दिस प्रोवाइड्स द सीड फंड। मयूर स्टॉप राइटिंग, आई विल ट्राई टू डू इट एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स। मयूर ठीक है, आई गॉट योर मैसेज, आई विल डू इट एज सून एज आई गेट टाइम। ठीक है, गाइज गवर्नमेंट हैज अलॉटेड अ टोटल बजट ऑफ 945 crore टू द स्कीम, इट एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड फंड्स टू 3600 स्टार्टअप एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। ओके, हियर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। अब कौन ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को अवेल कर सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एक बार वापस देख लेते हैं। सो द स्टार्टअप मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT वंस अगेन, दैट्स अ क्राइटेरिया। प्रोडक्ट और आइडिया मस्ट बी स्केलेबल, इनोवेटिव, टेक बेस्ड एंड फिजिबल। तो गाइज ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अब आप कहोगे कि सर ये कौन डिसाइड करता है, तो DPIIT जब आपको रिकॉग्निशन देता है वो ये सारी चीज देख के आपको रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, इंडियन प्रमोटर्स मस्ट होल्ड शेयर इक्वल टू और मोर देन 51%। तो गाइज आपकी ओनरशिप 51% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। द स्टार्टअप मस्ट अप्लाई विद इन 2 इयर्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, पहले 2 साल में ही आपको सीड फंड स्कीम मिल सकती है, राइट। एंड द USP ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कीम इज दैट इट्स इंडस्ट्री एग्नोस्टिक, दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय इंडस्ट्री एग्नोस्टिक, मतलब इट इज अनबायस्ड टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ठीक है, इट इज अनबायस्ड टुवर्ड्स एनी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एग्री बिजनेस के लिए ही वो लोन देते हैं या फिर IT का बिजनेस है तो वो ज्यादा प्रिफर करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अक्रॉस द इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री में आपका स्टार्टअप है, हर किसी को एक बराबर से इवेल्युएट करके फिर ये फंड देते हैं। अभी क्लियर अबाउट दिस गाइस? ओके, दिस इज अ बिट अबाउट अनअकैडमी कोर्सेज गाइस, न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग। सो जैसे ये एक नया बैच शुरू हो रहा है, सॉरी 28 फेब से ऑल स्टार बैच शुरू हो रहा है, ऑल स्टार बैच। सो प्लीज यू कैन एनरोल फॉर दैट, स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग कैट 2023, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कोड CHAR10 गाइस। अभी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है उसमें, ठीक है,
Here you get 20% discount currently. There is one offer which is going on. So avail that. Chalo. Now guys, we are talking about Pradhan Mantri Mudra Yojana. ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, उसमें मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है वो समझो, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म ये है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, दिस इज मुद्रा। ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। सो मुद्रा बैंक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, या मुद्रा बैंक्स हैव बीन क्रिएटेड टू एनहांस क्रेडिट फैसिलिटी एंड बूस्ट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस इन पर्टिकुलरली रूरल एरियाज। यू नो, ये जो मुद्रा योजना है दैट हैज बीन मेनली एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस इन टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज, राइट। मुद्रा कम्स अंडर PMYY विच वॉज लॉन्च ऑन 8 अप्रैल, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। एंड इन 2015 द गवर्नमेंट अलॉटेड 10,000 crore टू प्रमोट स्टार्टअप culture in the country, right? Mudra banks provide startup loan of up to INR 10 lakh to small enterprises. तो guys, आपको ये question आ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको जो मुद्रा लोन मिलता है या मुद्रा बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है उसकी लिमिट क्या है, 10 लाख रुपीज है, राइट। और किसको प्रोवाइड किया जाता है, तो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस, बिजनेसेस विच आर नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, सो इन सबको इसमें लोन मिलता है। Now there are three categories under which the loan are provided. ये हमने last class में discuss किया था, शिशु up to 50,000, किशोर up to 5 lakh and तरुण between 5 to 10 lakh. So depending upon your recognition of business by DPIIT, आपको इनमें से कोई एक category में loan मिल सकता है। ठीक है, so startup must be involved in trading, manufacturing, services of any of the, or any other non-farm business to be eligible for the scheme. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फार्मिंग बिजनेस नहीं आते हैं, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी दूसरे स्कीम्स अवेलेबल है। क्या ये सबको याद रहेगा दोस्तों? ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। यू नो, ये सेशन थोड़ा सा ड्राई सेशन होगा, क्योंकि मतलब इसके अंदर हमें सारे स्कीम्स देखने हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आगे जाके अपने MBA के बाद में अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हो, डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। You know, you can avail many of this benefits, right? हाँ, so guys, the next is Atal Innovation Mission. Okay, Atal Innovation Mission. So it was announced in 2015. क्या objective था इसका? The core focus of the scheme is on tier 2 and tier 3 cities. And besides providing financial support and resources to startup, the scheme offers easy access to information and resources. So guys, Atal Innovation Mission ka whole objective hai ke information sahi provide ki jaye and resources avail karaye jaye. Resources matlab kaun se? To jaise aapko VC se connect karwaya jata hai, ya fir aapko training partner se connect karwaya jata hai, and so on and so forth. Yeah. The scheme provides a platform for promoting world-class innovation hubs, sectoral focus and grand challenges and talent initiatives. ठीक है, so basically Atal Innovation Mission is a platform which provides a opportunity for innovation, sectoral focus and grand challenges and talent initiatives. Talent hunt initiatives उन्होंने लिए हैं। Some key programs under the schemes are innovation centers, Atal Tinkering Lab, Community Incubation Centers and Innovation Centers. तो ये कुछ इनोवेशन जो इनिशिएटिव्स है वो अटल इनोवेशन मिशन एम योजना के तहत लिए गए थे। ठीक है, कहीं से काम करते हैं, हमने अब तक जितना भी किया उसका एक छोटा सा क्वीज कर लेते हैं। आर यू ऑल रेडी फॉर अ टेस्ट एवरीवन? जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो यार चैट बॉक्स में, शो मी अ थम्स अप, और जिसने अब तक लाइक बटन नहीं दबाया पहले लाइक करो यार, फ्यूल डालो, फ्यूल की बड़ी जरूरत है। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमें 10 स्कीम कवर करने हैं। We need to cover 10 schemes. ठीक है, चलो राइट एवरीवन, सो हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। रिसेंटली द गवर्नमेंट लॉन्च स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग इट? गाइस, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? हाँ, क्या ऑप्शन आएगा, ए बी सी या डी? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो यार।
या क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? हाँ, सब लोग अलग अलग बता रहे हैं गाइस, आंसर इज ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4, थर्ड इज इनकरेक्ट। सी, इनोवेशन हब अंडर अटल इनोवेशन मिशन विल बी क्रिएटेड। अभी मैंने बताया एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ओनली दिस अटल इनोवेशन मिशन विल बी यू नो दिस इनोवेशन हब्स आर क्रिएटेड। सो गाइस, ये अटल इनोवेशन स्कीम एंड यू नो सीड फंड स्कीम एंड ऑल दिस आर नथिंग बट पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ओनली, याद रखना ये। 80% रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन, यस। प्रॉफिट अर्न बाय स्टार्टअप विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स नहीं, कितना होगा? 3 ईयर्स होगा, 3 ईयर्स होगा दोस्तों। इजी एग्जिट ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड, यस। सो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन सी। अरे दीपक जैन, टैक्स एग्जाम 10 ईयर्स के लिए नहीं, ये 3 ईयर्स के लिए, याद रखना गाइस। टैक्स एग्जेम्पशन इज फॉर 3 ईयर्स, नॉट फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक तो आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होता है। यू कैन अवेल दिस स्कीम इन फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ योर स्टार्टिंग द बिजनेस, तो वो तो स्टार्टअप का एज इंडिकेट करता है, लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर 3 ईयर्स। कंप्लायंसेस रिलैक्सेशन, ठीक है, लेबर लॉ कंप्लायंस एंड दूसरे एनवायरमेंटल कंप्लायंस, उसका रिलैक्सेशन भी 3 ईयर्स के लिए है, याद रखना, ठीक है। चलो गाइस, व्हाट अबाउट दिस वन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एज स्टार्टअप्स अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम? ठीक है, कम ऑन गाइस, क्या आएगा? क्या ऑप्शन आएगा दोस्तों इसका? विच द फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालोइंग क्वालिफाइंग एज स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम? हाँ, एज शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स, नहीं, कितना आएगा? 10 ईयर्स। सो ये गलत है, फर्स्ट इज गलत। शुड डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट, यस। इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट, तभी DPIIT से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। मस्ट बी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर और लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म, यस। एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़, यस। सो 2, 3, 4 इज करेक्ट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस गाइस? क्लियर है? तो देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये सारा पढ़ के रखा है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, है ना। चलो गाइस, वन मोर क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम? विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम? अब तक हमने एलिजिबिलिटी देखा, अभी बेनिफिट दिख रहे हैं। सो गाइस, इसमें से कौन सा बेनिफिट है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का? टैक्स एग्जेम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एट चीपर कॉस्ट, इजी एग्जिट, टैक्स हॉलीडे फॉर 5 ईयर्स, क्या आएगा? Which of these are benefits under Startup India scheme, guys? अभी तो पढ़ा। Tax exemption, correct. Infrastructure at cheaper cost, ऐसी कोई guarantee नहीं। Easy exit, correct. 5 years नहीं है, 3 years है। This should be 3 years. So 1 and 3 only, correct? चलो, guys, which of the following does not constitute a pillar of Make in India initiative? अब आपको थोड़ा सा Make in India के बारे में पता होना चाहिए। याप, क्या आएगा इसमें आंसर दोस्तों? मेक इन इंडिया के लिए क्या आएगा? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, क्या आएगा? हाँ गाइस, इसमें से न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट, नहीं, नन ऑफ दी अबव आएगा। प्लीज सर्च अबाउट मेक इन इंडिया, आप थोड़ा सा मेक इन इंडिया के बारे में सर्च करो, पता चलेगा, ठीक है। सो मेक इन इंडिया क्यों शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया क्यों शुरू किया गया था?
because they wanted to have excellent infrastructure in the country, and they wanted to stop this they wanted to have innovation in our country itself, right? So that was the key objective. So I'll tell you about Make in India, guys. Okay, sure. Which of the following is not true about Atal Innovation Mission? Guys, Atal Innovation Mission ke baare mein kya sahi nahi hai? Phonics is saying, hey, sir, aap bata do, kiske baare mein bata do, bhai? Kya pooch rahe ho tum? Are you asking about Make in India? ठीक है, गाइस, मेक इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या था पता है? पहले तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाना, फिर दूसरा था इनोवेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, फिर तीसरा था स्किल डेवलपमेंट लाना, एनहांस स्किल डेवलपमेंट, मतलब जो अपने लोग हैं उनकी स्किल डेवलप की जाए, तो वो भी पार्ट था मेक इन इंडिया का. प्रोटेक्ट इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जैसे पहले लोग बाहर ज्यादा चले जाते थे, तो प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया इनिशिएट किया, सो दैट दे डू नॉट गो आउटसाइड एंड दे मैन्युफैक्चरिंग आवर कंट्री इटसेल्फ, एंड टू बिल्ड द बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. तो ये था मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर. आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें मैंने सारा हाईलाइट किया है, बट गाइज इसका आंसर क्या आएगा? So it was set up by Niti Aayog in 2016 to promote innovation and entrepreneurship. Yes. Atal Tinkering Labs program set up under the scheme. Yes. Attract FDI, foreign direct investment for Indian startups. Nahi. FDI attract karna wo nahi tha objective. Provide platform and collaboration opportunities for different stakeholders. Yes. So it should be option C. Guys, FDI lana Atal Innovation Mission ka objective nahi tha. प्लीज चेक करो, ठीक है, ओके. नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन एस्टैब्लिश किया था एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ओनली अंडर द डायरेक्टिव ऑफ नरेंद्र मोदी. चलो गाइस, व्हेन वाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? कब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस हुआ था बताओगे? एनी आइडिया कौन से साल में हुआ था? 2014 में तो है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. तो ये शायद नहीं पता होगा आपको, तो मैं बता देता हूं, सितंबर 25th 2014 को इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों. मेक इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी इन 2014 ऑन सितंबर 25th. याद रख लेना ये एक चीज, ठीक है. चलो, गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट, गाइस, ये मेक इन इंडिया एम्स एट वॉट? रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लोथ, elimination of red tapism, reduction in cost of manufacturing, none of this. क्या आएगा इसमें आंसर? हाँ, तो आंसर इसका आएगा none of this. Guys, इनमें से कोई भी मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, which of the following is our objectives of मेक इन इंडिया by government of India? Guys, facilitate investment, yes. Foster innovation, yes. Protect IPR, yes. Best, build best in class manufacturing facility, yes. All of the above आएगा. ये याद रखना, ये है Make in India के objectives. ना कि जो मैंने previously दिखा है, red tapism हटाना, bureaucratic structure हटाना, ऐसा कोई उसका objective नहीं था. Make in India का objective था investment लाना, innovation को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना, एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था. तो ये अभी सबको क्लियर हो गया दोस्तों, मेक इन इंडिया के बारे में सबको क्लियर हो गया, ठीक है. या चलो गाइस, मुद्रा इज एन एब्रीविएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करो.
अच्छा, समवन इज आस्किंग व्हाट इज रेड टेपिज्म, या मैं बताता हूं आपको रेड टेपिज्म क्या है। सो क्या आएगा इसका, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, दिस इज मुद्रा, दिस इज मुद्रा, ठीक है। अच्छा, समवन आस्क के सर रेड टेपिज्म क्या होता है, व्हाट इज रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म ये होता है कि स्ट्रिक्ट एडहरेंस टू ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मतलब पहले क्या होता था कि आपको अगर एक बिजनेस को सेट करना है तो आपको कहा जाता है यहां जाओ, यहां पे ये फॉर्म फिल करो, फिर वहां से यहां जाओ, इसका अप्रूवल लाओ, फिर यहां का क्लियरेंस लाओ, तो आपको घुमाते रहते थे। और फिर उसको अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आपको क्या देनी पड़ती थी, घूस देनी पड़ती थी कि आपको अगर ये सारे पेपर वर्क नहीं करवाना है या कोई और आप चाहो करवा लो, तो आप फिर क्या करते थे, उसके लिए ब्राइब देते थे। तो ये था रेड टेपिज्म कल्चर, याद है ना। जबरदस्ती ऐसे प्रोसेसेस बना दिए कि एक ऑर्डिनरी इंसान घूमता रहेगा, और अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो फिर आपको ब्राइब देनी पड़ेगी। तो लेकिन मेक इन इंडिया का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था उसको एलिमिनेट करने का। आर वी क्लियर, फाइन। सो गाइज, मुद्रा का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, या वन मोर क्वेश्चन गाइज, मैच द कैटेगरी विद द लोन अमाउंट लिमिट फॉर PMYY स्कीम। गाइज, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। क्या आएगा इसमें, बस यही कंफ्यूजन होता है, तरुण, शिशु, किशोर, याद है क्या, ये तो वैल्यू सबको याद है, 50,000, 5,00,000, 10,00,000, ये तो सबको याद है। तो गाइस, करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, तो सबसे पहले आता है शिशु, डू यू ऑल अग्री, शिशु सबसे पहले आता है, फिर आता है किशोर, फिर आता है किशोर, फिर आता है तरुण, यस। यहां पे 50,000, यहां पे अपटू 5,00,000, यहां पे अपटू 10,00,000। तो गाइस, कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच करेगा, यस, ऑप्शन बी आएगा कि नहीं, किशोर 5,00,000, शिशु 50,000, तरुण, ये है ना, करेक्ट। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो, सो गाइस, हमने चार स्कीम देख ली थी, अटल इनोवेशन मिशन वॉज द फोर्थ स्कीम, अभी हमें 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जल्दी से देख लेनी है। तो प्लीज पे योर अटेंशन फॉर 5 मिनट्स, फिर इस स्कीम के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, ओके। चलो गाइस, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम, तो ये क्या है, इसको CGTMSE भी कहते हैं, और ये इसका ब्यूटीफुल लोगो है, कोई अच्छे डिजाइनर ने बनाया लगता है, लेकिन जो भी है। तो गाइस, द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये इसका फुल फॉर्म है, प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री लोन। नाउ व्हाट इज कोलेटरल, तो गाइस, अगर मुझे लोन चाहिए, पहले के जमाने में कैसे होता था कि अगर एजुकेशन लोन भी चाहिए तो आपको अपना घर या कुछ प्रॉपर्टी गिरवे रखना पड़ता था, ठीक है, कि अगर 10,00,000 का लोन चाहिए तो 10,00,000 की चीज को या उससे ज्यादा वैल्यू वाली चीज को आपको मोर्टगेज करना पड़ता था। तो अभी ये चीज इसमें करने की जरूरत नहीं है, इवन आज की डेट पे भी अगर बिजनेस लोन चाहिए तो उसके लिए कोलेटरल आपको देना ही पड़ता है, लेकिन यहां पे कोलेटरल फ्री लोन मिलते हैं आपको, गिरवी रखना, करेक्ट, फॉर MSME एंड सिलेक्टेड स्टार्टअप्स। द अमाउंट ऑफ दिस लोन कैन रेंज फ्रॉम अप टू 1 करोड़, ये याद रखना गाइस, किस अमाउंट तक आपको लोन मिल सकता है, 1 करोड़ तक का मिल सकता है। इट हेल्प्स रिटेलर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, SMEs एंड फार्मर्स, मेनली ये सबको हेल्प करता है। द स्कीम फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन स्टार्टअप सेक्टर एंड स्ट्रेंथन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। CGTMSE इज प्राइमरली फॉर सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, लोन्स अंडर द स्कीम कैन बी क्लेम्ड एज वर्किंग कैपिटल और फॉर टर्म लोन। टर्म लोन मतलब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप टर्म लोन लेते हो, ठीक है। फिर द नेक्स्ट वन इज वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, इट इज फॉर द स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर सेक्टर। गाइज, ये लोन कौन प्रोवाइड करता है, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, वो मेनली एग्रीकल्चर बिजनेस के जो स्टार्टअप है उसके लिए था, और वो प्रोवाइड करता था SFAC। अब SFAC का फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, बट उससे पहले, करंटली दिस स्कीम इज डिसकंटिन्यूड गाइज, ये याद रख लेना। अंडर दिस स्कीम एंटरप्राइज कैन रिसीव इंटरेस्ट फ्री डेट एंड ओडी। ओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। गाइज, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, बट फिर भी मैं एक चेक इश्यू करता हूं और वो चेक क्रेडिट पे वो चेक क्लियर हो जाता है, तो उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी। अगर आप बिजनेस, आपके फैमिली का बिजनेस है तो ओडी टर्म आपको पता होगा।
It allows them to cover up for working capital once again, longer repayment period of up to 5 years, तो आप 5 साल में इसको repay कर सकते हो, and loans are provided by SFAC, ये SFAC, which is Small Farmers Agri Business Consortium, ठीक है, ये government का organization है by the way, SFAC is a government organization, याद रखना ये. फिर नेक्स्ट आता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है, किसके लिए है याद रखना, फॉर फाइनेंसिंग एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द स्कीम बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ कैन बी बोरोड. और ये पॉइंट देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज. गाइस गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि हर एक बैंक की एक ब्रांच जो है उसको कम से कम एक एससी एसटी वाले को लोन देना पड़ेगा, एससी एसटी एसटी कैटेगरी के बंदे या बंदी को लोन देना पड़ेगा फॉर द स्टार्टअप, एंड एक वुमन एंटरप्रेन्योर को लोन देना ही पड़ेगा. आर गेटिंग दिस पॉइंट, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये. This enterprise may be in manufacturing, services, agri allied activities or trading sector. In case of non-individual enterprise, at least 51% of shareholding and controlling stake should be with either of this woman entrepreneur or SCST person. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि business मेरा है, 70% stake मेरे पास में और एक मेरे साथ में मेरा एक SCST friend है, उसके नाम पे मैं loan उठा के आ गया, ये नहीं चलेगा, ठीक है, right? The next one is, ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डिजाइन क्लिनिक स्कीम. नाउ व्हाट इज डिजाइन क्लिनिक स्कीम गाइस, ये इसका लोगो है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स एवरी स्टार्टअप एंड एमएसएमई टू बिल्ड अ डिजाइन सेंट्रिक अप्रोच फॉर फ्यूलिंग द बिजनेस. डिजाइन सेंट्रिक अप्रोच इन ऑर्डर टू बूस्ट एक्सपेरिमेंटेशन विद न्यू डिजाइन, द एमएसएमई मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश दिस स्कीम. ठीक है, न्यू डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, राइट. It aims to encourage an ecosystem of sustainable design through ongoing skill development and training. The government shall extend. अब ये point देखो, ये कैसे इसमें आपको कैसे पैसे मिलते हैं? तो government shall extend up to 60,000 for attending design seminars. मतलब अगर आप ये seminar भी attend करते हो, आपको 60,000 rupees मिल जाएंगे दोस्तों. And up to 3.75 lakh to startup for conducting the seminars under this scheme. मतलब अगर मैं ऐसा seminar conduct करता हूँ, ठीक है, डिजाइन क्लिनिक सेमिनार कंडक्ट करता हूं जहां पे मैं न्यू डिजाइन के बारे में बताता हूं, इट कैन बी इन एनी सेक्टर, तो वहां पे मुझे 3.75 लाख तक का ग्रांट मिल सकता है. ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम्स है. रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम गाइस, दिस गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया वॉज लॉन्च बाई एनएसआईसी, तो क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन. And it aims at to assist manufacturing and startup with procuring raw material. Mainly it helps for raw material procurement related financing. And under this scheme, applicants can claim low interest loans and finance help to get raw materials. So guys, ye ho gaya. And the last one is single point registration scheme, SPRS. So this government startup scheme offers a single window system for filing tenders to startups and MSMEs. मतलब बेसिकली अगर आपको टेंडर फाइल करना है तो एक सिंगल विंडो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है. इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय एनएसआईसी वंस अगेन, एंड द गोल ऑफ द स्कीम इज टू ईज रिस्ट्रिक्शन फॉर स्टार्टअप अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स. तो ये आपका एक हो गया. एंड एसपीआरएस रिड्यूसेस द टाइम कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स विद पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट टेंडर्स. ठीक है, हाउएवर इट इज एसेंशियल दैट द स्टार्टअप शुडंट हैव कंप्लीटेड. गाइस ये देखो, ये आप तभी आपको ये बेनिफिट मिलता है जब आपका एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर आपका एक साल कंप्लीट हो गया तो आप सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते. ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 स्कीम समझ में आ गए हैं. दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए. आज के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम सिर्फ बाकी के जो अदर इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे अस्पायर हो गया, समृद्धि हो गया, ठीक है, समृद्ध हो गया आपका, सो ये सारे स्कीम्स हम देखेंगे. और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, तो इसको हम जेड स्कीम हो गया, जेड, ठीक है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. और नेक्स्ट सेशन में वापस हमारा एक Q&A होगा. ठीक है, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे दोस्तों. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. Keep learning guys, and yes, if you are going for plus or iconic subscription,
please don't forget to apply code chart and do recommend to your friends also so that they can prepare or you can prepare under my guidance. ठीक है, चलो. So yeah, and make sure all of you are connected with this channel. अच्छा दोस्तों, एक बहुत important चीज, आज आपका टेस्ट था क्या? आप लोगों ने टेस्ट लिया क्या? आज का टेस्ट लिया, 4 PM टेस्ट था आज, 24th Feb था. सो देर वॉज अ टेस्ट एट 4 PM. हाँ, LR का टेस्ट था आज शायद, LR का टेस्ट था ना दोस्तों. इट वॉज बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग सीरीज फैमिली ट्री एंड सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम. क्या आपने टेस्ट लिया आज का? जल्दी से एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में. हाउ मेनी ऑफ यू टुक अप द टेस्ट टुडे? यस, ग्रेट. कितने मार्क्स आज किसका था, LR का था या क्वांट का था दोस्तों? कितने का था मतलब कौन से टॉपिक का था आज? मुझे भी टाइमलाइन अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, इसे मैं पूछ रहा हूं. गुड गाइस, तो ट्राई टू स्कोर वेल, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सारे फ्री टेस्ट है, फ्री टेस्ट है. और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है, और वो जब आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो उसके लिए आपको कोड SHA10 यूज करना पड़ेगा. गाइज, आपको एक अनलॉक कोड पूछेगा, सो यूज दैट दिस SHA10 एज अनलॉक कोड. हाँ, LR का टेस्ट था ना आज, करेक्ट. वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन साइंस वगैरह का टेस्ट था. हाउ वॉज द टेस्ट गाइज? हाउ वॉज द टेस्ट? मतलब अच्छा लगा आपको? डिड यू फील के इट वॉज एट पार विथ CMAT लेवल? यस और नो, जल्दी से एक बार कन्फर्म करो चैट बॉक्स में. कैसा था टेस्ट? क्योंकि मैंने तो ऑफकोर्स उसी लेवल का बनाया है, बट आपको भी वो लगना चाहिए ना. क्वांट वीडियो डन गाइस, क्वांट वीडियो इज कमिंग वेरी सून. मैं कोशिश करता हूं कल ही रिलीज करूं. ठीक है, क्वांट वीडियो, यस, नया टॉपिक का वीडियो. ठीक है, यूनिकॉर्न्स की लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यार यूनिकॉर्न्स मैंने अपडेट कर दी है डिस्क्रिप्शन में, देखो जल्दी से दोस्तों. यूनिकॉर्न्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेट किए हैं, एक बार देखो तो जरा. 108 यूनिकॉर्न डिटेल्स, देखो एक लिंक है 108 यूनिकॉर्न डिटेल्स करके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यार. ठीक है, तो अब उसमें लोगो भी अपडेट कर रहे. इट्स अ वेब पेज, मेरी खुद की वेबसाइट है, उसका वेब पेज मैंने रख दिया है, आप लोगों के लिए ही बनाया है स्पेशली. और उसमें मैं लोगो भी डाल रहा हूं हर एक कंपनी का. ठीक है, ज्यादातर का डल चुका है देखो. तो गाइस सबके साथ में शेयर करना ये लिंक को. ठीक है, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विथ एवरीवन. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कीप लर्निंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन एडियोस.